हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस क्वेश्चन. कह रहे क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन एंड ऑल्सो चेक इट्स. आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ऑल्सो एंड आपको चेक भी करनी है. मतलब इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसके बाद चेक करना है कि एक्स के वैल्यू जो आया वह राइट है या रॉन्ग है. ओके, चलो हम चेक करते हैं. देखो, सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद एक्स के वैल्यू को जो आया था उसको चेक करें. ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो 2x माइनस ऑफ 1 बाई 3 माइनस ऑफ जो है 6x माइनस ऑफ 2 बाई 5 इक्वल टू 1 बाई 3. ओके, तो देखो इसको क्या करोगे, कैसे करोगे. तो आपका यहाँ देखो 2x माइनस ऑफ 1 बाई 3 एंड देन देखो माइनस. तो आपने क्या करो, सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर को सेम कर दो. क्यों, इस ऊपर वाले के साथ कोई भी ऑपरेशन करने के साथ जो डिनोमिनेटर है इसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लेस कोई भी चीज़ करने के लिए आप जो है आप इस डिनोमिनेटर को 3 एंड 5 को सेम करो. देखो 3 एंड 5 का सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा. और एलसीएम 3 एंड 5 का क्या होगा, आपका जो है इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 15 इसका एलसीएम होगा. क्योंकि इसमें किसी भी टर्म मतलब कॉमन नहीं आ रहा है, मीन्स 3 के टेबल्स में ना 5 आ रहा है ना 5 के टेबल्स में कहीं 3 आ रहा है. मीन्स इन सारे केसेस में क्या करते हो, एलसीएम निकालने के लिए आप सिंपली जो है मल्टीप्लाई कर देते हो. ठीक है, आपका 15 आ गया. देन देखो 3 को एलसीएम, देखो अब आपको इस 3 को एंड 5 को इक्वल करना होगा 15 के बराबर. ठीक है, तो इस 3 को 15 करने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई. देन जो है अब आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की है तो आपको न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. ओके, देन आपका हो गया 6x माइनस ऑफ 2 बाई 5. और इस 5 को और 15 करने के लिए क्या करोगे, 5 है 15 करने के लिए क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. ओके, तो 1 बाई 3. तो आप सिंपली अब देखो आपका यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ भी 15 डिनोमिनेटर से आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो. तो देखो 5 दूना 10 एक्स और माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस और 5 इंटू 1 5 बाई 15. ओके, माइनस देखो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस और यहाँ 6 × 4 = 18 एक्स और माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस और 3 × 6 = 15. ओके, उसके बाद जो है इक्वल टू आपका 1/3. देन अब देखो क्या होगा, आपका ये डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसको अपना आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है आप कर सकते हो. तो देखो 15 तो 10x माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 18x प्लस 6x, मैंने ऑलरेडी माइनस के साथ इसे पूरा मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है, इक्वल टू 1/3. तो देखो यहाँ आपको x है या 5 है 6 है, ये इसको हम कांस्टेंट करते हैं और ये वेरिएबल्स के साथ इंक्लूड है. मींस होता है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी क्योंकि x के डिफरेंट वैल्यू पे इसके डिफरेंट वैल्यू. सो फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 हो गई तो इसकी वैल्यू 10, 2 हो गई तो 20, इस तरह इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी. ठीक है, तो इसलिए इसे वेरिएबल्स को एक साइड करो एंड कांस्टेंट की एक साइड. तो आप यहाँ देखो, तो पहले वेरिएबल में से आप वेरिएबल को सबट्रैक्ट करो. देखो यहाँ 10x प्लस है या माइनस 18x है, मतलब दोनों डिफरेंट साइन में. तो सिंपली आप क्या करोगे, इसे सबट्रैक्ट करोगे बड़े में छोटे के. मीन्स 18 में से 10 गया कितना होगा, आपका 8 होगा. ठीक है, मीन्स 18 में से 10 गया 8 हो गया एक्स एंड देन बड़े वाले साथ क्या लगा माइनस देन माइनस. और यहाँ पर देखो 6 और प्लस में है और 5 जो था माइनस में है, ये भी अपोजिट साइन है. देन आप सब्ट्रैक्ट करोगे 6 में से 5 गया 1 हो गया, लेकिन बड़े वाले साथ प्लस साइन लगा, देन आप प्लस साइन लगाना इक्वल टू 15 इक्वल टू 1/3. 1/3 जो है, तो देखो आप क्या करोगे इसको, यहाँ देखो अगर आपने यहाँ 15 हो गया तो यहाँ भी 15 कर दोगे तो यहाँ पे एक दोनों कैंसिल कर दोगे और इसके साथ कंपेयर कर लोगे. देखो और नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर उसको नहीं है कंफर्ट हो देन आप क्या करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इसको 15 बनाने के लिए इसमें 5 से ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको जैसे मन करे उसे कीजिएगा. ठीक है, तो देखो अब इस 3 को माइनस 8x प्लस 1 को देन इस 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड देन इस 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई. तो 8 3 का 24 माइनस और प्लस आपका 3
इक्वल टू 15, ओके। देन देखो आपका 24x और 15 और इधर जाएगा आपका 3, माइनस और प्लस है तो माइनस जाएगा, तो माइनस और 24x इक्वल टू 15 में से 3 गया आपका 12, देन x इक्वल टू माइनस, इधर स्विफ्ट कर सकते हो क्योंकि इधर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखो सपोज आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो आपका माइनस क्या होगा, इधर स्विफ्ट हो गया, तो माइनस ऑफ 12 बाई 24, तो देखो तो 12 दूना 24, मतलब 1/2, मतलब x की वैल्यू आपका 1/2 आया। तो अब आपको चेक करना है x की वैल्यू जो होता है 1/2 जो होता है राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो उसे चेक करने कैसे चेक करोगे, उसे चेक करने के लिए सिंपली जो था आप क्वेश्चन लिखो 2x माइनस ऑफ 1/3 माइनस ऑफ जो होता है 6x माइनस ऑफ 2/5 इक्वल टू 1/3। देखिए ये आपके इक्वल के इस साइड लेफ्ट साइड में है तो इसे आप मान लो LHS मान लो, और ये इक्वल के राइट साइड में है तो इसे RHS मान लो। अगर आपका LHS जो है इक्वल हो गया RHS के तो समझना आपका x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू माइनस होगा, माइनस ऑफ 1/2 होगा, ठीक है, माइनस ऑफ 1/2 होगा, देन आपका तो आपका आंसर जो भी आया था वह सही होगा, ठीक है। ये आपने क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, ठीक है। तो देखो तो 2 के आप x की वैल्यू पुट करो कितना था, x इक्वल टू माइनस 1/2 था, ठीक है। तो देखो तो उसके बाद 2 इंटू x इक्वल कितना था, माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ 1/3 माइनस ऑफ जो होता है आपको 6 इंटू माइनस ऑफ 1/2 माइनस 2/5 इक्वल टू 1/3, ओके। देन देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा माइनस 1 माइनस ऑफ 1/3 माइनस ऑफ जो होता है आपका 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो 3 इंटू माइनस 1 मीन्स 3 और माइनस 2/5 इक्वल टू 1/3। तो देखो आपको जो होता है तो देखो ये माइनस वन मीन्स माइनस 2/3 और माइनस 3 माइनस 3 माइनस 5 और माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस कितना हुआ 5/5 हुआ, ठीक है, 5/5 हुआ इक्वल टू आपका 1/3, तो इसे 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, आपका कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है। तो माइनस 2/3 प्लस 1/1 इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो देन इसको जब तक आप सॉल्व नहीं कर, जब तक इसकी जो होता है आप एलसीएम इसकी जो डिनोमिनेटर को सेम ना करें, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करोगे, 3 एंड 1 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है। तो माइनस 2/3 ये ऑलरेडी 3 है और इसके एलसीएम कितना आएगा, आपका 3 ही आएगा। देखो 3 एंड 1 का एलसीएम कितना आएगा, आपका 3 ही आएगा, तो ये आपका 3 इक्वल हो गया, तो इसको दोनों को आपको 3 करना पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी 3 है जिसको 3 करने की जरूरत नहीं है, तो 1 को 3 करना पड़ेगा, तो 1/3 1/1 है, तो 1 को 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एंड 1/3। देखो माइनस 2/3 आपका प्लस 3, 1 इंटू 3 गिव्स 3 और बाई 3, ओके, इक्वल टू 1/3। देन आपका ये सेम है, तो देखो 3 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1/3, देन ये दोनों अपोजिट साइन है, तो 3 में से आप 2 घटाओगे कितना 1/3 इक्वल टू 1/3। मीन्स जो है आपका जो है इसे माने थे आपने LHS, इसे माने थे RHS, ठीक है। तो आपका LHS जो है इक्वल आ गया RHS के कितना 1/3 के। देन आपने x की वैल्यू जो फाइंड आउट किया कितना, x इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 जो होता है, आपका आंसर राइट है, ओके। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।